जौनपुर के जिला अस्पताल में हुए मोतियाबंद के ऑपरेशन के बाद 27 मरीजों की आंखों की रोशनी चली जाने की खबर ने हड़कंप मचा दिया है, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी का हिंदू संगठन ने घेराव कर कार्रवाई की मांग की है। महत्वपूर्ण खबर आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस मामले में जानकारी न होने का हवाला देते हुए एक कमेटी का गठन कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद कमेटी मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले लोगों की 27 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई है, जिसकी वजह से हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों का घेराव किया है। जिला अस्पताल में जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है। कमेटी का गठन किया गया है जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी, इस पूरे मामले में जांच करेगी। तो 27 लोगों का है वो मेरी जानकारी में भी नहीं है, तो मैं उनसे SIC जो है, जो जिला पुलिस अस्पताल जो है, उनसे बात करता हूँ। और इसमें एक कमेटी जिसमें मेडिकल कॉलेज से भी आई सर्जन लेते हैं, प्राइवेट से लेते हैं किसी को, और यहाँ अपने अस्पताल से लेते हैं, कमेटी बना के गंभीर मसला है, इसकी जाँच पूरी तरह कराई। तो जिला अस्पताल में 27 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई है। जिला अस्पताल में जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। ये बड़ा मामला सामने आया है, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया है। हर कोई सख्ते में है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन मरीजों का किया गया था, जिसमें 27 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई है। एक बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया, जिसकी वजह से लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठनों ने चिकित्सा अधिकारियों का घेराव किया है और जांच पड़ताल की मांग की है, जिसके बाद तुरंत फौरन जांच उस पर बिठाई गई है। कमेटी का गठन किया गया है जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जी मीडिया रिपोर्टर मीना जैन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूरी अपडेट क्या है, जांच में क्या कुछ अभी तक सामने आया है, क्या जांच शुरू हो गई है? देखिए, इसमें मैं बताना चाहूंगी कि इसमें एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उसकी पत्नी की आंखों की रोशनी चली गई है मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद, और ये उसने बाकायदा मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी। और इसके बाद जब उनसे चिकित्सकों ने बात की तो उसने अपनी शिकायत वापस भी ले ली। हालांकि 27 लोगों की आंखों की ऑपरेशन होता है, उन सभी की रोशनी जाने की बात कही जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। या हम ये कहें कि स्वास्थ्य विभाग इसमें पूरी तरह से लीपापोती किए हुए है। फिलहाल एक कमेटी का गठन कर दिया गया है और जांच की बात कहकर इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जरूरी है इस पूरे मामले की सही तरीके से जांच पड़ताल हो, क्योंकि बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया। चले नीना, जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो जांच की बात कह दी गई है, कमेटी का गठन कर दिया गया है, देखना होगा कि जांच में रिपोर्ट में आगे क्या सामने आता है और फिर क्या अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई को अंजाम देते हैं।